प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भाव और भामिनी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष ही विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इसमें शक्तिमान पुरुष सदा शिव को ही परमात्मा कहते हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति है। शिव सदा शिव कहे गए हैं और शिवा मनोमनी। भगवान शिव को महेश्वर जानना चाहिए और देवी शिवा को माया कहा गया है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी प्रकृति स्त्री, महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी, विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता भगवान शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्मानी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा, कामासन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा रची, महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा, भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिजानंदिनी उमा यम प्रिया, भगवान शंकर ऋणिति हैं और पार्वती नेत्रति, भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वरुणी, चंद्रशेखर शिव वायु है और माँ पार्वती वायु प्रिया, शिव यक्ष हैं और माँ पार्वती ऋचि, चंद्रशेखर शिवा चंद्रमा है और चंद्रवल्लभा उमा रोहिणी, परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी, नागराज अनंत को वला रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी प्राणवल्लभा शिवा अनंता, काल शत्रु शिव काल अग्नि रुद्र और काली काला कांत प्रिया जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे स्वायु भाव मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा शतरूपा है, साक्षात महेश्वर दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति, भगवान भय रुचि और भवानी को विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं, महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति, भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिववल्लभा संभूति, भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और उमा साक्षात स्मृति, चंद्रमोली पुलितस्य हैं और माँ पार्वती प्रीति, त्रिपुरनाशक शिवपुला हैं और माँ पार्वती ही उनकी प्रिय है, यज्ञ विध्वंसी शिव कृतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति, भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसूया, काला हंता भगवान शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा वेद माता अदिति, कमाशनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति, भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां हैं, अतः है सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय, जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर, जिनके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वायु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा शिवम धारण करती हैं, तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। भव वल्लभा उमा ही द्रव्य दृश्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देते हैं। संपूर्ण रस की राशि मारने वाले मंगल महादेव, प्रेम समूह देवी पार्वती और प्रियतम विश्व भोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मनवतव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर उन वस्तुओं के मन्यता मनन करने वाले हैं। भव वल्लभा पार्वती बोध द्रव्य जानने वाली है, वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही हैं। उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं, सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांत तक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं, तब काल के भी काल महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन हैं तो शूल पाणी प्रिय पार्वती रात्रि, कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिय पार्वती पृथ्वी, भगवान महेश्वर समुद्र हैं
तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि, वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वप्रिय उमा उन पर फैलने वाली लता, भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त जल का रूप धारण करती हैं और बालेंद्र शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का, जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विधेश्वरी देवी ही है। वह सारा जगत साक्षात महेश्वर है, जो सबके परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगलमय है। उस वस्तु को महाभाग आत्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और देवी शिवा के यथार्थ रूप का वर्णन किया है, परंतु ईर्ष्यापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्ण से नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इसके स्वरूप की यथा सीमा कोई नहीं, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर भगवान शिव और देवी शिवा के यथार्थ रूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वो आते हैं और उन्हीं की बुद्धि से आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वो आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस प्रकार विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसीलिए आपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो आप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुहा है, उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह आप्राकृत परा विभूति वह है जो जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ प्रकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक प्रकार से जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और माँ पार्वती के यथार्थ रूप का गोपनीय वर्णन होने पर किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी माँ पार्वती और भगवान शिव की इस विभूति का उपदेश नहीं दिए जाना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है, अतः है अत्यंत कल्याणमय। हे श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश देना, जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र भगवान शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले से प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो बारंबार साधना का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 4, परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विचेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पाश में बंधे होने के कारण इस जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षि गण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अनंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। 5 महाभूत इंद्रिय अंतकरण तथा प्राकृत विषय रूप
जड़ तत्व को अपर ब्रह्मा कहा गया है। इससे भिन्न समष्टिक चैतन्य का नाम पार ब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्राह कहते हैं। प्रभो, वेदों एवं श्री ब्रह्मा जी के अधिपति पार ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव के ऊपर ही दो ऊपर रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या विद्व स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना है। यह विद्या स्वरूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये भगवान शिव के उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है, तथा जो विकल्प सहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत है, इसमें विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण भगवान शिव सरस्पति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर है और जो जीवात्मा अक्षर कहलाता है वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए क्षाक्षर कहे गए। कुछ महर्षि परम कारण रूप भगवान शिव को समष्टि व्यथिष्ठ रूप कहते हैं और समष्टि व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। ये दोनों परमेश्वर भगवान शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रावृत होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं। जिनका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो वायावृत्ति है, इसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्ति भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से प्रतिपालित है। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई भगवान शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त करता है और कोई काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषि पुरुषों ने व्यक्त करा है और कहा है। जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर पालक धारणकर्ता परावर्तक निर्वर्तक तथा अविभाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु है। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है, इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण नेता अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं। जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं, उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राग्ञ तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है वे ही माता मान में और मति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता क्रिया कारण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरियातीत, कोई निर्गुण बताता है, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं और कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथनुसार वे निंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में सेंद्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताता है तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अवर्णनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचित्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है वे ज्ञान स्वरूप हैं।
कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं, किन्हीं के मत में श्रेय हैं और किन्हीं के मत में अजेय, कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इस नाना प्रकार की प्रीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ रूप का निश्चय नहीं कर पाते। कोई सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे ही उन परम कारण भगवान शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक भगवान शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों में बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक श्री ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचिता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का भी साक्षात्कार कर लेता है, तब वह पुण्य और पाप दोनों की भांति भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 5। भगवान शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, भगवान शिव को न तो अणव मल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का और न माया का ही। प्राकृत बोध अहंकार मन चित्त इंद्रिया तन्य मात्रा और पांच भूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका। अमित तेजस्वी शंभु को ना काल न कला न विद्या न नियति न राग और न द्वेष ही बंधन प्राप्त है। उन्हें न तो कर्म है, न उन कर्मों का परिपाक, न उनके फल स्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका कोई संपर्क नहीं है, न कोई उनका कारण है, न करता है, न आदि है, न अंत है और न मध्य है, न कर्म है और न कारण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका कोई न कोई बंधु है और न अबंधु, न कोई नियंता है, न कोई प्रेरक, न कोई पति है, न गुरु है और न ही त्राता ही है। उनमें अधिक चर्चा कौन करे, उसके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण, उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है और न अवांछित, उनके लिए न कोई विधि है न निषेध, न कोई बंधन है न मुक्ति। जो जो कल्याणकारी दोष हैं वे कभी उनमें नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। कोई भगवान शिव साक्षात परमात्मा है, क्योंकि वे अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से चयुत न होते हुए भी सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्था अणु भी कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान शिव से अधिष्ठित है, अतः है भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। वे सत्व रूप हैं, परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पीनाकमणि तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही पार ब्रह्म परमात्मा है, वे ही कृष्ण पिंगल वाले हैं। वे उनके हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने वाले उनके योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और तमन वर्ण की है। वे स्वर्णमय नीलकंठ सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत और अवव्य कहा गया है। वे पुरुषा विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतक और अचेतक से परे हैं, इस प्रपंच से भी परातत्पर हैं। भगवान शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ऐश्वर्य और ज्ञान अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक काल में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्मताओं को अधिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं।
एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका मुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रायोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा भगवान शिव का वाचक है। शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य भगवान शंभु के चिंतन और जाप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के पारंगत मानसवी विद्वान वाच्वी और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव स्वरूप कहते हैं। मंडुक्य उपनिषद में प्रणव की चार मात्राएं बताई गई हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद का स्वरूप कहा गया है, मकार सामवेद का और नाद अर्थवेद की श्रुति है। आकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूप योनि है, वह सत्वगुण तथा पालनकर्ता श्री हरि। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संघारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष योगेश्वर, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी तीन मात्राओं के द्वारा ही तीन रूपों में जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है। जिनसे बढ़कर न तो कोई अधिक सूक्ष्म है और न ही महान, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित है, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ओम नमो शिवाय। अध्याय 6, परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार। भगवान शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति। भगवान शिव की सेवा भक्ति तथा पांच प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप से प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छागान क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदा शिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परातत्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अजब्राह आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इसके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य से हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापनी सूक्ष्मा तथा ज्ञानंद रूपिणी है। उसी से शीनता भूषण भगवान श्री शक्तिमान महान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद हैं और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्राज्ञ श्रुति स्मृति धरात्री स्थिति निष्ठा ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति कर्म शक्ति आज्ञा शक्ति पारब्राह परा और आपरा नाम की दो विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है। क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया प्रकृति जीव विकार विकृति असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त होता है। वे शक्ति स्वरूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती है और लीला पूर्वक उनसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किसने हमारा जीवन धारण किया है, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंगनीय व्यवस्था की,
यदि कहें काल स्वभाव नियति निश्चित फल देने वाला कर्म और यक्षरा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है। पांचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है, इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं होता। अतः कौन कारण है इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तों द्वारा किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर को स्वरूप भूता अचित्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज और तम से ढकी है तथा उन तीन गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति पाशों का विच्छेदन करने वाली है। उनके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय है। तदन अंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ शक्ति भोग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्रदान कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शक्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता, अतः है शक्ति और शक्तिमान दोनों के तदाम्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का फल कोई क्रम विवलक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता दानव पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्माता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों को विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अव्यवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। कृपा प्रसाद पूर्वक यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। महेश्वर भगवान शिव के प्रसन्न होने पर जीव में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वह पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध करता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वह तीन जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। इसमें संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा रहित वह अंग रहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर तीन भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। भगवान शिव के रूप आदि का जो चिंतन है, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जाप आदि वाचिक सेवा है और पूजा आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है, इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने पांच प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायन आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस तीन प्रकार के जो शिव मंत्र का अभ्यास है, आवृत्ति है, उसी को जाप कहते हैं। भगवान शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है।
श्री काष्ठ भगवान शिव के शिवा प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिव समागम है। भगवान शिव के आश्रित जो भक्त जन है उन पर कृपा करने के कल्याण से एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया करते हैं। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह परम कारण भगवान शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय आसक्ति का त्याग करे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 7 शिव ज्ञान। भगवान शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन। सूर्य देव में भगवान शिव की पूजा करके अर्घ दान की विधि तथा व्यासा अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवन अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सारत्व है तथा जिससे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों को मुक्ति के लिए कहा। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्ण वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्य कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अपने अव्यक्त से अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति श्री ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। श्री ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा श्री ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि करने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के समर्थ से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की दृष्टि की, सोम से शूलोक का प्रादुर्भाव हुआ, फिर पृथ्वी अग्नि सूर्य यज्ञमय श्री विष्णु शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब अन्य देवता रुद्रा अध्याय पढ़कर रुद्र की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हर कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी मैं सर्वत्र हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, मैं भी अपनी तेज संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है, मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अर्थर्व शीश में वाणित पुष्पात व्रत को ग्रहण करके उन अमरागणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीत कर निंद्रा रहित निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते थे उन्हीं महादेव जी को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं वह वाम लोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा। जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं उन गणेश्वरों का भी देवताओं के साथ दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की पूजा करने लगे। तब वृषभध्वज श्री महादेव जी ने उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावत मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा,
देवता बोले, भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर भगवान शंकर ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न था, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्राहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनके 8 भुजाएं थी और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया। अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान और आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो श्री ब्रह्मा, देवता इंद्र और श्री नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यों कहकर उन उत्तम भक्ति वाले पूर्ण सुवर्णा कुमकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वरों को अर्घ दिया और कहने लगे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु और श्री ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं, गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है। जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में भगवान शिव का पूजन करके प्रात काल, मध्यान्ह काल और सायकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इस श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, काम, वाणी, मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वही अंतर ध्यान हो गई। इस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार श्री ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदन अंतर दीर्घ काल के पश्चात वह शास्त्र लुप्त हो गया। तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकाला, संपूर्ण आगामों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त ने और ऋषि दधीची ने विलोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनीश्वर, वशिष्ठ, सरस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, तीव्रत, शत तेजा, साक्षत धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष बुद्धिमान, अरुणी, कृतंजय, भारद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाच श्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मायणी, कर्णबिंदु मुनि, कृष्ण शक्ति शाक्तेय, पराशर उत्तर जातु कंड और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन, ये सब व्यास अवतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम वृद्धारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में जो भी प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्राशिष्य हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भवित हो भाग्यवान पुरुष मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 8, भगवान शिव के अवतार योगा आचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगावृतों में
योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। श्री उपवन्यु ने कहा, श्वेत सुतार मदान सुहोत्र कंक गोलक्षी महामायावी जोगी वाश्व ददीवाह ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेदशिरा मुनि गोकर्ण गुवाहासी शिखंडी जटामाली अट्टाहास दारुक लाकुली महाकाल शूली दंडी मुंडीश साहिष्णु सोम शर्मा और नकुलेश्वर, ये वाराह कल्प के इस सातवें मन्वंतर के युग में क्रमशः 28 योगाचार्य प्रकट हुए। इनमें से जो प्रत्येक के शांत चित्त वाले चार चार शिष्य हुए, जो श्वेत से लेकर रुष्ण पर्यंत बताए गए हैं, मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। सुनो, श्वेत श्वेताशिख श्वेताश्व श्वेत लोहित दुदुम्भी शतरूप ऋचिक केतुमान विकोश विकेश विपाश पापनाशन सुमुख दुर्मुख दुर्गम दुर्तिक्रम श्री सनत कुमार सनक सनक नंदन सनातन सुधामा विरजाशंख अंडज सारस्वत मेघ मेघवाह सुवाहक कपिल आसुरी पंचशिख वशकल पराशर गर्ग भार्गव अंगिरा बालबंधु निरामित्र केतुश्रृंग तपोधन लंबोदर लांब लंबात्मा लंबकेशक सर्वज्ञ सुबुद्धि साथ्य सिद्धि सुधामा कश्यप वशिष्ठ विरजा अत्रि उग्र गुरुश्रेष्ठ श्रवण वाष्टिक कुनी कुणबाहु कुशरीर कुनेत्रक कश्यप उश्यना चैवन बृहस्पति उत्थयत वामदेव महाकाल महानील वाचश्रवा शुवीर श्यामवक यतीश्वर हिरणाभ कौशल्य लोकाक्षी कुमुथी सुमंथु जैमिनी कुबंध कुगंधर प्लक्ष दर्भायणी केतुमान गौतम भल्लवी मधुपिंग श्यामकेतु उशिज वृहतशव देवल कवि शलिहोत्र सुवेश युवानाश्व शरदसु छगल कुंभकरण कुंभ प्रबाहुक उल्लोक विधतु शंबुक अश्वलायन अक्षपाद कणाद उलूक वत्सकुणिक गर्ग मित्रिक और रुण्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पशुपात हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान शिव आश्रम में अनुरक्त शिव आज्ञा पारायण सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले धीर सर्वभूत हितकारी सरल कोमल स्वस्थ क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। इनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें न तो कोई शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे है जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर रहते हैं। मैं भगवान शिव हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी वृष ध्वज के अंकुर को मत डाला। वे सदा परम धाम के जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। योगाचार्यों से इन शिष्यों को जान मान कर सदा भगवान शिव की आराधना करते हैं। वह भगवान शिव का सयुज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 9। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन, शिव धर्म के प्रचार पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण। शिव पूजन में अनेक प्रकार एवं
अनन्य चित से भजन की महिमा। तदन अंतर भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंद्राचल पर घटित हुए भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगते हैं तथा जिनका अंतकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मदस्य लोकवासी जीव आत्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? श्री महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो नित्य पूजन कर्म तपस्या जाप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उनके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्य के मन में मेरे प्रति श्रद्धा हो तो मैं उनके वश में हो जाता हूँ। फिर तो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन और मेरे साथ संभाषण भी कर सकते हैं। अतः जो मुझे वश में करना चाहते हैं उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव पहले वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरों की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। श्री ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं होता तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के कलेश और आयास उठते हैं। उस महान धर्म से धर्म दुर्लभ को श्रद्धा पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं उन्हें सुखद मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रख कर जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्णाश्रमियों की मेरे में उपासना का अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ जाएं, मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति सहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा ना पाकर भी जो मेरी शरण में आकर भक्त बन जाता है वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक आलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता एवं मूकता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह चार चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान क्रिया चर्या और योग। पशु पाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधिवत षड योजन का कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विवाहित वर्णाश्रम प्रयुक्त मेरे पूजन आदि जो धर्म है उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी, चित को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना है अश्वमेघ यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मन प्रसाद दुर्लभ है जिसमें यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया हो उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग, योग से पुरुष पतित हो मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों को
पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता हो जाता है और भवबंधन से छुटकारा पा लेता है। पुण्य पापमय जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसीलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य पुण्य का परित्याग कर दे, फल की कामना से प्रेरित हो कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने मात्र से नहीं। अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करें। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग मुक्त हो मेरे यजन से विरक्त हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में ही संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रचित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, मेरा आश्रय ज्ञानचर्या और क्रिया इन तीन में ही प्रावृत होने के अधिकारी है, उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता है। मेरा पूजन दो प्रकार का है, ब्राहा और अभ्यांतर। इसी तरह मन वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है, तप कर्म और जप, ध्यान और ज्ञान। ये मेरे भजन के पांच स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे पांच प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है जिससे दूसरे लोग जान लेते हैं वह ब्राह पूजन या भजन कहा गया है, तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है अभ्यांतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित ही मन कहलाता है, सामान्यता है मन को एकमात्र यहाँ मन नहीं कहा जाता। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जाप और कीर्तन में लगी हुई है वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है वही शरीर शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें कर्म नहीं कहा जाता। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, तुंड्र चंद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति प्रणव का अभ्यास तथा रुद्रा अध्ययन आदि का बारंबार पाठ ही जाप कहा गया है, वेदा अध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए दी हुई समाधि नहीं। मेरे आगामों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। हे देवी, पूर्व वासनावश ब्राह अथवा अभ्यांतर जिन पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। ब्राह पूजन से अभ्यांतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दोषों का मिश्रण नहीं होता तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों को भी वहाँ संभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि माननी चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित हैं वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही रहते हैं। हे देवी, ब्राहा और अभ्यांतर दोनों ही प्रकार का भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्रलब्ध छल का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उनके द्वारा किए गए ब्राहा अथवा आभ्यंतर पूजन में जो भाव प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी क्रिया एवं एकमात्र आत्म भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचिन मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। हे देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि लाभार्थी को यदि फल न मिला हो तो वह मुझे छोड़ सकता है। हे सती साध्वी देवी,
फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित मुझ में प्रतिष्ठित है उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की चाना रखकर मुझ में ही लगा हो परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हैं वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार वशी फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। हे परमेश्वरी उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुए उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बल पूर्वक परम निर्वांग रूप फल प्रदान करता है जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में समर्पित कर दिया है। अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह मेरी पूजा का अनुमोदन स्वयं भी मेरे पूजन में आवृत्ति मेरे ही शारीरिक चेष्टाओं का होना मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव कथा सुनते समय स्वर नेत्र और अंगों में विकार का होना बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान हो तो मुझे प्रिय नहीं है परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल भी हो तो वह मुझे प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए उससे प्रसाद ग्रहण करने चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता हूँ और वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अध्याय 10 वर्ण आश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन। भगवान शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। श्री महादेव जी कहते हैं हे देवेश्वरी अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप में वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान अग्निहोत्र विधिवत शिवलिंग पूजन दान ईश्वर प्रेम सदा और सर्वत्र दया सत्य भाषण संतोष आस्तिकता किसी भी जीव की हिंसा ना करना लज्जा श्रद्धा अध्ययन योग निरंतर अध्यापन व्याख्यान ब्रह्मचर्य उपदेश सुनना तपस्या क्षमा सोच शिखा धारण यज्ञोपवीत धारण पगड़ी धारण करना दुपट्टा लगाना निषिद्ध वस्तु का सेवन करना रुद्राक्ष की माला पहनना प्रत्येक पर्व में विशेषता है चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करना ब्रह्मकुर्च का पान प्रत्येक मास में ब्रह्मकुर्च से विधिवत पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना संपूर्ण क्रिया अन्न का त्याग श्रद्धा अन्न का परित्याग बासी अन्न तथा विशेषतः यावक कुल्थी या बोरो धान का त्याग मद और मद की गंध का त्याग भगवान शिव को निवेदी चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये हैं क्षमा शांति संतोष सत्य असत्य चोरी न करना ब्रह्मचर्या शिव ज्ञान वैराग्य भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति इन 10 धर्म को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन करना नहीं चाहिए पढ़ना यज्ञ करना और दान लेना इनका विधान मैंने विशेषतः है अक्षत्रियों और वैश्यों के लिए नहीं किया। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है सब वर्णों की रक्षा युद्ध में शत्रुओं का वध दुष्ट पक्षियों मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना सब लोगों पर विश्वास करना केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना सेना का संरक्षण गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्म कंचुक धारण करना गोरक्षा वाणिज्य और कृषि ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं।
शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रियो और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विवाहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्या का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा में ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि, शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्या का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। हे देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया, साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। हे देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह का सेवा व्रत धारण किया करते हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावतिरेक से संपन्न है। वे स्त्री आदि विषयों के अनुरक्त या विरक्त पापों में उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल में कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेक की पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, फिर उनके लिए कर्तव्य कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति में भी आवश्यकता नहीं रहती, जैसे मेरे लिए विधि निषेध नहीं है वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण मेरे लिए सब कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृत्य कृत्य योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वे मेरे भक्तों के लिए मन भाव का आश्रय ले भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। मेरी आज्ञा से आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रावृत करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों को आज्ञा भी अन्य मनुष्य को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। अतः प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्व की वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझमें अनुराग है उन्हें उन बातों का भी ज्ञान होता है जो पहले कभी देखने या अनुभव में नहीं आई होती। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वाद विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग्न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्य पुरुषों की पहचान करानी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ, पैर आदि के साधर्म से मानव शरीर धारण करने पर वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना ना करें। जो मूढ़चित मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्री उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इन विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान ज्ञेय अनुज्ञेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन छह अर्थों का ही संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। हे श्री कृष्ण,
जो शिव और शिव संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त है और उसकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः ब्राहा और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके उस साधन भूत ज्ञान को भी त्याग दें। यदि चित्त भगवान शिव में एकाग्र नहीं होते तो कर्म करने से क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करने या करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्य पुरुषों को इस लोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमो शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। अतः है परावर विभूति उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 11 पंचाक्षर मंत्र के महत्व का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महत्व का तत्वत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री उपमन्यु ने कहा, हे देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप में ही इसकी महिमा सुनो। वेद तथा शैवगम में दोनों जगह है षड अक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। अतः वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, भगवान शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोकों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला है, सुनिश्चित अर्थ वाला, निश्चय ही मन के मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ भगवान शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल मंत्र है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ होता है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से संपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस अक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता धुतिमान सर्वव्यापी प्रभु भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर ब्रह्म रूप हैं, वे नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव संभवतः वाच्यवाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादि काल से प्रावृत है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का संभवतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ और जीवात्मा अज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतना कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है, उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा भगवान शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है। वे प्रभु यदि मध्य और अंत में रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें भगवान शिव के नाम से जानना चाहिए।
शिवगम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और ये शिव अभिधेय वाच्य, अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप के होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया। ओम नमः शिवाय। यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह भगवान शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं भगवान शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और संभवतः निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं, वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि द्वेषों से ग्रस्त हैं, वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया, वह प्रमाण भूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है, उसे शुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति में कारण होता है, अतः है वह कोमल ललित एवं संस्कृत संस्कार युक्त हो तभी उससे क्या लाभ। जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभान तथा समझने अयोग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षड अक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ भगवान शिव ने किया है, उनके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षड अक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उनके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेका अनेक उपमंत्रों से यह षड अक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है, जैसे वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है, वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रायोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। यदि नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिनकी जिव्या के अग्रभाग में विद्यमान है, उनका जीवन सफल हो गया है। पंचाक्षर मंत्र के जाप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अन्य जत्य अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। तो आइए मिलकर इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय। अध्याय 12 पंचाक्षर मंत्र की महिमा। उसमें समस्त वड़मय की स्थिति, उनकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उनके समस्त और अस्त अक्षरों के ऋषि छंद देवता, बीज शक्ति तथा अंग न्यास आदि का विचार। देवी बोली, हे महेश्वर, दुर्जय एवं कलुषित काल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लें
भक्ति भाव से भवितचित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित कृतघन्य निर्दयी छली लोभी और कुटिलचित है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जाप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। हे देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है, भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित पावन इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? श्री महादेव जी ने कहा, हे सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। मैंने पहले इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप यज्ञ व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वी कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, ईशान आदि पांच ब्रह्मा जिनके अंग हैं, उन षड अक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित हो, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे, मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुणा अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरी पूजा करनी चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा आदि गुणों से युक्त ब्रह्मचर्य पारायण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही लोक वेद महर्षि सनातन धर्म देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। हे देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रह जाता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः है मेरी शक्ति से पलित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदन अंतर मुझ में प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है, तत्पश्चात त्रिगुणा आत्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवंतर प्रलय होता है। उस प्रलय में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष सैया पर शयन करते हैं। उनकी नाभि कमल में पांचमुख श्री ब्रह्मा जी का जन्म होता है। श्री ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 ब्रह्म ऋषियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह श्री ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। इनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर पांच मुख धारण करने वाले मैंने श्री ब्रह्मा जी के प्रति एक मुख से एक अक्षर के क्रम से पांच अक्षरों का उपदेश दिया। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी अपने पांच मुखों द्वारा क्रमशः पांचों अक्षरों को ग्रहण किया और वाची याचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया
तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह श्री ब्रह्मा ने उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बात बताई। पद्धति से उस मंत्र का जाप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1000 दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लगे रहते थे। वहाँ उनकी तपस्या चल रही थी। वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता बीज शक्ति कीलक षडगन्यास दिगबंध और विनियोग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महत्व से तपस्या में बहुत गए और असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस तरह उत्तम पंचाक्षरी मंत्र का स्वरूप का वर्णन किया गया है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उनके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। वह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। इसके पीन पायोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इनके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पन्ना और उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, संपूर्ण आभूषणों से विभूषित, श्वेत कमल के आसन पर विराजमान। इनके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इनके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं, जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत कृष्ण धूम्र स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग न हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान। सुमुखी यों इस तरह मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरान ने मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे गौतम अत्रि विश्वामित्र अंगिरा और भारद्वाज ये नरकादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री अनुपुष्टुम त्रिपुष्टुम बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र रुद्र भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। हे देवी मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नरकादि अक्षरों के क्रमशः स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उद्दात है और दूसरा चौथा भी उद्दात ही है। 5वां स्वरित है और 3रा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने वाले शैव शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर अंतर रूप के क्रमशः है नमः स्वाहा वशट भूम वोषट और फट जोड़ने से अंग न्यास होता है। हे देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उन पंचाक्षर मंत्रों में जो 5वां वर्ण यह है उसे 12वें से स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि इस मंत्र से मन वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन जाप और होम आदि करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मन आदि वाचिक और शारीरिक। देवी जैसी
इच्छा हो वैसा समझ लो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि शक्ति संपत्ति उत्साह व योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधना द्वारा मेरी पूजा करता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। हे सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्यानुक्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि मेरे जो भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत असमर्थ नहीं हो गए, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिनके बिना मंत्र जाप निष्फल होता है और जिनके होने से जाप कर्म अवश्य सफल होता है। अध्याय 13, गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जाप करने की विधि। पांच प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के लिए उपयोग का वर्णन। जाप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा। जाप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अज्ञानहीन क्रियाहीन श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जाप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वभूत रूप मंत्र आदि अज्ञान सिद्ध क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल की प्राप्ति होती है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता आचार्य जापशील सद्गुण संपन्न ध्यान योग पारायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में स्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन वाणी शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी घोड़े रथ क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्ध चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदन अंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को जो एक वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्व कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन पुष्पमाला वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याहवचन और ब्राह्मणों की पूजा करवा कर समुद्र तट पर नदी के किनारे गौशालाओं में देव आलय में किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उच्च स्वर से हम दोनों के उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरुषरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जाप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जाप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जाप आदर पूर्वक पूरा कर देता है वह पुरुषरणिक कहलाता है। जो पुरुषरण करके प्रतिदिन जाप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है, वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए
वह शुद्ध देश में स्नान करके शुद्ध आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ भगवान शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए बिना मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे तथा दहन प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करने के और आपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करे। विद्यास्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के वाचार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जाप करे। मानस जाप उत्तम है, उपांशु जाप मध्यम है तथा वाचिक जाप उससे निम्न कोटि का माना गया है, ऐसा अगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जाप वाचिक कहलाता है। जिस जाप में केवल जीव्य मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे से स्वरों अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कानों में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जाप को उपांशु कहते हैं। जिस जाप में अक्षर षडक्ति का एवं वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का, शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है, वह मानस जाप कहलाता है। याचिक जाप एक गुना ही फल देता है, उपांशु जाप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जाप का फल 1000 गुना कहा गया है तथा सदगर्भ जाप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जाप होता है उसे सगर्भ जाप कहते हैं। अगर्भ जाप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रवेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण करें। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जाप कर ले। 5-3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जाप 1000 गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जापों में कोई एक जाप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जाप की गणना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव जियो पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जाप का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। शंख के मनकों को 100 गुना मूंगों से, 1000 गुना स्फटिक मणि की माला से, 10000 गुना मोतियों की माला से, 1,00,000 गुना पन्नक से, 1,00,000 गुना स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। खुशकी गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों ने बनाई गई माला से जाप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में लाभदायक होती है। जाप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रु नाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम श्रेणी की होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जाप करें, वह जाप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठिक का अंगुली अक्षर वाली जाप के फल को क्षारित नष्ट करने वाली मानी गई है, इसलिए जाप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठक द्वारा जाप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठक के बिना किया हुआ जाप निष्फल होता है। घर में किए हुए जाप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जाप का फल 1000 गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर 10000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में 1,00,000 गुना और मेरे किए हुए जाप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य अग्नि गुरु चंद्रमा दीपक जल ब्राह्मण और गौ के समीप किया हुआ जाप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जाप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जाप
अविचार कर्म में सफलता का प्रदान कराने वाला होता है। पश्चिमाभिमुख जाप को धनदायक जानना चाहिए। उत्तराभिमुख जाप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जाप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहना, विलाप पूर्वक कभी जाप नहीं करना चाहिए। जाप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जभाई लेना तथा कुत्तोरनीज पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करे अथवा तुम्हारे साथ माँ पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे अथवा प्राणायाम कर ले। बिना आसन के बैठने पर सोचकर चलते चलते अथवा खड़ा होकर जाप न करे। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जाप न करे। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन से बैठकर सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जाप ना करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जाप करे और आशक्त पुरुष यथाशक्ति जाप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप में मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जाप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उनका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उनका आचरण किया है, इसीलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः है सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जो इस लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन पतित और अनन्य जज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जाप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अत्यंज मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा, किंतु दूसरे किसी के लिए यह सिद्ध नहीं हो सकता। हे प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता, यह सदा सुप्रसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त किया हुआ मंत्र सुप्रसिद्ध कहलाता है। प्रसिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशा श्रद्धा रखने वाला है उसको मिला हुआ वह मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही इस मंत्र को सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। हे महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं प्राप्त नहीं होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जादी आदि की अपेक्षा न रखकर प्रावृत होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग करना नहीं चाहिए।
क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। श्री उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी श्री महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी माँ पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 14, त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन। गुरु का महत्व। ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण जी बोले, भगवन, आपने मंत्र का महत्व तथा उसके प्रयोग का विधान बताया है, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम भगवान शिव की संस्कार विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण करने के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था, वह बात मुझे भूली नहीं है। श्री उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिनके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षडश शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण कर देता है, इसीलिए इस संस्कार को दीक्षा भी कहते हैं। भगवान शिव, शास्त्र में परमात्मा शिव ने शंभवी, शक्ति और मंत्री तीन प्रकार की दीक्षा का उपदेश दिया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी दो भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतारा। पाशों के क्षीण होने से जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मंत्री दीक्षा कहते हैं। इससे पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंद या मंद अंतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है। अतः संक्षेप में उसके विषय में निवेदन किया जाता है, जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आ सकती। उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्ध ही होती है। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट होता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह पराशक्ति प्रबोध नंदिनी रूपिणी है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतकरण में सात्विक विकार। जब अंतकरण द्रवित होता है, तब ब्राह शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करे, अथवा उनके साथ वह उनके मन में प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति रवैया होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है, और जो भगवान शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में भगवान शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे भगवान शिव है वैसी विद्या है, वैसी विद्या है वैसे गुरु है, और वैसे भगवान शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। भगवान शिव सर्वदेवा आत्मक हैं और गुरु सर्वमंत्रमय। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए।
यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार कटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा न दे तो शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे, उनके सामने और पीठ पीछे उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्म के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान विद्वान परमानंद का प्रकाशक तत्ववेता और भगवान शिव का भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मंत्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा नहीं सकती, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और कैसे बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मा अनुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लांग सकता, अतः है तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक को कहा गया है। आज्ञा नहीं समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, सब प्रकार के उपाय का विधान का जानकार होने पर भी तत्व ज्ञान से हीन है, उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष को अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रावृत होती है, उसके दर्शन स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिनके संपर्क से उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान ना हो, तब तक विनाचार चतुर मुमुक्षु शिष्य को उसकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध प्राप्त ना हो जाए, तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़े और न कभी किसी तरह उनकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की एक वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य शिष्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनकी धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें। गुरु के तिरस्कार करने पर जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी शुद्ध भगवान शिव के संस्कारी कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सबका कार्य करने को तैयार रहते हैं, अभिमान शून्य बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हैं, सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिर चित्त शोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते हैं, ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातीय को मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। वह शास्त्रों का निर्णय है, शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से भगवान शिव के संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों पतितों और वर्ण शंकरों के लिए षडश शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे यदि परम कारण भगवान शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो भगवान शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें।